सो गाइज, ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जो चैप्टर चल रहा है अभी फिलहाल, हमने ट्रांसफॉर्मेशन पहले आपको कहा रिमूव टू, उसके बाद आपका चल रहा है डिग्रीज ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसका वन पार्ट आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के नेक्स्ट पार्ट पर। मैं इसको थोड़ा सा तोड़कर लिखता हूँ जिससे कि मैं अपनी बात को क्लियरली समझा सकूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आर पार किसी चीज़ का रूप बदलना, लेकिन मीनिंग ना बदले, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पर, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पर। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा काम यहाँ पे अपना फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे, अभी हमने बनाया था पॉजिटिव से कंपैरेटिव आपने बनाना सीखा टाइप वन में। अब आप लोग सीखेंगे सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव। सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाना सीखेंगे। सुपरलेटिव भी हमारे दो तरह के होते हैं, उनको सीखेंगे गाइस। आगे बढ़ते हैं पहले यहां पे सुपरलेटिव के बारे में जानकारी देने के लिए आपको। गाइस सबसे पहले देखिएगा सुपरलेटिव हमारे दो तरह के होते हैं, टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन यानी कि उसने कहा शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट गर्ल। टाइप टू यानी कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स, शी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स। तो यहाँ केवल डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो है आपका वन ऑफ, जो एक्स्ट्रा में है, और साथ ही साथ इस्तेमाल किया गया है प्लुरल नाउन का भी। किसका? प्लुरल नाउन का। यहाँ पर प्लुरल नाउन का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर सिंगुलर नाउन का, तो थोड़ा सा यहाँ पर दोनों का ही फॉर्मेशन अलग रहेगा। यस, यहाँ बच के थोड़ा सा रहिएगा गाइस, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा सावधानी के साथ में काम करना होगा, हल्की सी लापरवाही आपको यहाँ पे लेके डूब सकती है। फॉर्मेशन सेंटेंस का इस तरह से एग्जाम में नहीं आएगा जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन तरीका कुछ यही रहेगा, आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सुपरलेटिव टाइप वन के बारे में। यहाँ सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव हम लोग बनाना सीखेंगे। जरा आप देखिएगा दोनों का तरीका क्या रहेगा। सेंटेंस है आपका शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ सहारनपुर, शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ सहारनपुर, वह सहारनपुर की सबसे अच्छी लड़की है, ये कहना चाह रहा है। शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ सहारनपुर। हमें इसको पॉजिटिव बनाना है गाइस, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला रहेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, ध्यान देना, अपनी तरफ से आप लगाएंगे नो अदर। क्या लगाएंगे? नो अदर। क्या लगाया आपने? नो अदर। और उसके बाद में डिग्री के बाद वाला सारा, आफ्टर डिग्री। यस, फिर अपनी तरफ से आपको इसी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगानी है, फिर एज या सो एज में से कोई एक, एज या सो एज में से कोई एक, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट। जरा देखिएगा ध्यान से, आपने कहा नो अदर गर्ल ऑफ सहारनपुर इज एज बेस्ट, सुपरलेटिव हो जाएगा गुड, गुड एज शी।
नो अदर गर्ल ऑफ सहारनपुर इज एज गुड एज शी, अगर आपको बनाना उसका कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव बनेगा आपका शी से ही, शी इज, इसको बनाएंगे कंपैरेटिव, बेटर देन, अपनी तरफ से लगाना होगा एनी अदर, क्या लगाना होगा एनी अदर, बाकी सारा एज इट इज. She is better than any other girl of Saharanpur. तो ये रहेगा आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरह से बनाने का. मैं आपको यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस को एक बार फिर से बनाकर दिखाऊंगा, कम से कम 4 से 5 सेंटेंस आप लोग देखेगा सीखेगा. सेंटेंस को बनाना एग्जाम में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा गाइस, लेकिन एरर आपकी यहीं से ही पूछी जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा गाइस. यस, तो एरर को पकड़ना सीखें. ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यू आर द टॉलेस्ट बॉय, यू आर द टॉलेस्ट बॉय आपने बनाया, नो अदर डिग्री के बाद वाला, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज यू, ये बना आपका पॉजिटिव. कंपैरेटिव बनेगा आपका यू आर टॉलर देन एनी अदर बॉय, यू आर टॉलर देन एनी अदर बॉय. उसने कहा मुंबई इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटी, वन ऑफ नहीं आएगा सॉरी बच्चों, वन ऑफ वाला भी नहीं पढ़ाया मैंने आपको. मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी. आप पॉजिटिव बनाने के लिए शुरू करेंगे सेंटेंस को नो अदर से, नो अदर सिटी इज एज बिजी एज मुंबई, और कंपैरेटिव बनाएंगे मुंबई से ही, मुंबई इज बिजियर देन, अपनी तरफ से लगाएंगे एनी अदर, क्या लगाएंगे एनी अदर सिटी. सो ये रहेगा आपका सेंटेंस को बनाने का फॉर्मेशन. अब एग्जाम में किस तरह से एरर आएंगी जरा वो देखिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप लोग 10वीं बारी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आपको सेंटेंस बनाने के लिए दिए जाएंगे, वहाँ पर सिर्फ एरर निकालनी है आपको, तो एरर किस तरह कहेंगे ध्यान देना. यस गाइस, एरर अगर आपने निकालने सीख ली तो आपका काम अपने आप बनता चला जाएगा, ये ध्यान रखना. देखना गाइस, मैंने आपको बताया शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, अगर सिंपल फॉर्मेशन में सेंटेंस हो तो आप यही लगाएंगे. यहां पर आपको गर्ल को गर्ल्स करके एरर दी जा सकती है. यस, जैसे कि उसने कहा शी इज द टॉलेस्ट गर्ल्स, ये आपका रॉन्ग रहेगा. शी इज द टॉलेस्ट गर्ल्स, ये कहना आपका रॉन्ग रहेगा जब तक यहां पे वन ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा. तो आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसको गर्ल्स ही गर्ल ही रखेंगे. उसके बाद उसने कहा नो अदर, नो अदर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आया करती है, इसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल ना करें. यस, नो अदर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब, पहले तो पूरा याद रखें आप इसको, अच्छा रहेगा, ना केवल सिंगुलर वर्ब याद रखें, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ये अच्छे से याद रखें. इसके साथ में सिंगुलर नाउन आएगी और सिंगुलर वर्ब आया करती है, ये अच्छे से याद रखें. इसके साथ में हमेशा आपको प्लूरल नाउन लगा के गलती दी जा सकती है, जैसे कि वो आपको ऐसे कह सकता है कि नो अदर बॉयज, नो अदर बॉयज आर, मोस्टली बच्चों को सही भी लगता है. अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा मुझे कह भी रहा था सर हम तो आज तक नो अदर मैन का इस्तेमाल करते आए हैं, ये वाले मैन का. यस,
तो गाइज वो रॉन्ग है। आपको नो अदर के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, इसके साथ में प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। यस गाइज खूब अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़े जा रहा है, इसके बारे में एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं। कंपैरेटिव जब बनाया था तो कुछ ये था कंपैरेटिव, शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल, यानी कि याद रखना एनी अदर का इस्तेमाल आप यहां पे सिंगुलर नाउन से पहले ही करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि एनी अदर के बाद में आप लोग प्लुरल नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एनी अदर का इस्तेमाल आप कंपैरेटिव में ही करेंगे, पॉजिटिव में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एनी अदर का इस्तेमाल आप कंपैरेटिव में करेंगे, पॉजिटिव में इसका यूज हम लोग कभी नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना गाइस। तो एनी अदर आपका हमेशा कंपैरेटिव में यूज होगा और वो भी सिंगुलर नाउन के साथ में। यस, जरा देखते हैं एक दो और इसकी एरर क्या दे सकता है आपको एग्जाम में। सेंटेंस पे चलते हैं, एग्जाम में तो डायरेक्ट सेंटेंस आएंगे, बनाने को आपको नहीं आएंगे, ये तो मैंने आपको बेसिक मजबूत किया सिर्फ। शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल्स, शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल्स। तो यहां पे गाइज एनी अदर के बाद में उसने जो प्लुरल नाउन लगाया ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यस और देखिएगा, उसने कहा शी इज द बेस्ट गर्ल देन एनी अदर, ये भी आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आप ना तो देन का इस्तेमाल करते हैं और ना ही एनी अदर का इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी ध्यान रखना गाइस। तो यहाँ पे शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल, एनी अदर के साथ में सिंगुलर नाउन आना चाहिए था और यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन आपका रॉन्ग है। मतलब किसी भी तरह से आपको बनाने की कोशिश की जाए तो आप बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया है बस वही फाइनल है, उसके अलावा जो भी आ रहा है वो सब रॉन्ग ही है, ये याद रखिएगा गाइस आप यहाँ से। यस, तो यहाँ पे हमने जान लिया कि नो अदर के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और एनी अदर के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होगा और ये हमेशा कंपैरेटिव में ही इस्तेमाल होगा, ये भी ध्यान रखें आप, और ये नो अदर आपका पॉजिटिव में। और भी बहुत सारे एरर दी जाती है नो अदर से, जैसे कि उसने आपको दिया नो गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज प्रियंका चोपड़ा। तो गाइस यहां पे ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस के बीच में आपको एज एज या सो एज दिख जाए और शुरू में नो लगा हुआ हो तो याद रखना के साथ में अदर जरूर आएगा। यस, अगर सेंटेंस के बीच में आपको कहीं भी एज एज या सो एज दिख जाए, शुरू में नो लगा हो तो ध्यान रखना कि यहाँ पे नो के साथ में अदर जरूर आएगा, बिना अदर के सेंटेंस रॉन्ग है। एग्जाम में सेंटेंस इस तरह दिए जाते हैं नो गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रियंका चोपड़ा, तो ये सेंटेंस कहना आपका यहाँ पर रॉन्ग है, आपका बनना था नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज प्रियंका चोपड़ा। एग्जाम के सेंटेंस देखिएगा एक दो, एग्जाम में सेंटेंस ऐसे भी दिए गए, नो सिटी इज एज बिजी एज मुंबई, तो गाइज हमें दिख रहा है यहाँ पे एज एज आया है, साथ में पॉजिटिव डिग्री भी आई है, तो यहाँ पे आपको नो अदर का इस्तेमाल करना था। उसने कहा नो अदर, नो अदर मैटर इज एज कॉस्टलियर एज गोल्ड, तो गाइज यहां पे एज एज का इस्तेमाल हुआ है तो नो अदर का आना ठीक था, सिंगुलर नाउन आया हालांकि तो अनकाउंटेबल नाउन है तो ये भी ठीक था, सिंगुलर वर्ब भी ठीक है, लेकिन यहां पे कॉस्टलियर का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि एज एज और सो एज और टू टू सो दैट, इन चारों का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ ही करते हैं, इन चारों का ही यूज सिर्फ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, विदाउट पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ओके गाइस, सो यहां पर जितनी भी एरर थी नो अदर या एनी अदर से आने वाली वो मैंने आपको सभी बता दी हैं। यहां पे हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पड़ाव पर जो कि रहेगा सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाना ही, लेकिन वो रहेगा आपका टाइप 2 पर आधारित। ओके गाइस, सो मिलते हैं टाइप 2 में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।